2500 रुपए में लग्जरी स्मार्ट वॉच चाहिए एमोलेड कॉलिंग के साथ, आ जाओ दिला देंगे। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल, माय नेम इज दर्शन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यार यहाँ पे फायरवॉल्ट वालों ने लॉन्च कर दी अपनी एक और लक्स एडिशन की स्मार्ट वॉच, जो के है फायरवॉल्ट एक्लिप्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे ऐसे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। साथ ही साथ एमोलेड डिस्प्ले, ब्लूटूथ कॉलिंग, प्रीमियम लुक और साथ ही साथ काफी बढ़िया हेल्थ ट्रैकर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलने वाली है। तो चलते हैं इसी को करते हैं अनबॉक्स और देखते हैं क्या क्या है बॉक्स में, कैसी दिखती है स्मार्ट वॉच और बाकी सारी चीजों के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। अनबॉक्स करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यार चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी कभी लाइक करो, बाद में आप लोग भूल जाते हो। कुछ इस तरीके का बॉक्स देखने को मिल जाता है, ऊपर ही आप लोगों को वॉच की प्रिंटिंग, ब्रांडिंग और ब्रांड एम्बेसडर देखने को मिल जाएंगे। बैक साइड में कुछ फीचर्स लिखे गए हैं जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। बॉक्स कंटेंट की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले मिल जाता है एक मैनुअल कार्ड, एक मिलता है वारंटी कार्ड, कुछ सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, एक पोको पिन वाला चार्जिंग केबल मिल जाता है एंड ये रही दासू सी स्मार्ट वॉच जो मुझे सच में काफी ज्यादा प्रीमियम लगी। बाकी डिटेल में आगे बात करते हैं। बिल्ड एंड डिजाइन की बात करूँ तो सर्कुलर डायल में स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाती है, फुल्ली मेटेलिक बॉडी देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगती है। दो बटन मिल जाते हैं, एक से आप लोग स्लिप मोड में जा सकते हो, दूसरे से स्पोर्ट मोड में। बाकी बैक साइड में प्लास्टिक का ही यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप लोगों को हेल्थ सेंसर्स मिल जाएंगे, एक साइड स्पीकर दूसरी साइड माइक मिल जाना है। इसके अलावा 22mm का स्ट्रैप मिल जाएगा जो कि मेटेलिक स्ट्रैप है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ईजी टू यूज़ हो जाता है। बाकी मुझे बिल्ड एंड डिजाइन इसका पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है और हाथ में पहनने के बाद ना बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक निकल कर आता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार इसको फीमेल मेल दोनों यूज कर सकते हैं। डिस्प्ले की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को 1.43 इंच की एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस दी गई है यहाँ पे, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक स्मार्ट वॉच के लिए। इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी को लेकर आप कोई भी इशू यहाँ पे फेस नहीं करने वाले हो। कलर एक्यूरेसी, शार्पनेस, कंट्रास्ट काफ़ी बैलेंस देखने को मिलेगा आप लोगों को। दो AOD के वॉच फेस मिल जाएंगे, एक मिलता है एनालॉग, दूसरा मिलता है डिजिटल, दोनों की ब्राइटनेस काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा आप लोग कस्टम वॉच फेस भी लगा सकते हो और रोला जमा सकते हो। क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा नेचुरल है, काफ़ी ज़्यादा पंची कलर भी प्रोवाइड करती है। अगर आप लोग अपनी फोटो को मैच करते हो अपने फोन से और स्मार्ट वॉच से तो ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। चलते हैं अब इसकी UI और फीचर्स पर डालते हैं भी एक नज़र। जैसे ही आप लोग नीचे से ऊपर स्वैप अप करोगे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएंगे। राइट से स्वैप करने पे यहाँ पे विजेट के कुछ शॉर्टकट्स मिलते हैं, जैसा कि आप लोगों को फायरवॉल्ट की ऑलमोस्ट हर स्मार्ट वॉच में देखने को मिल जाएगा। ऊपर से नीचे स्वैप डाउन करते हैं, यहाँ पे सेटिंग के कुछ शॉर्टकट्स मिल जाने हैं जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब, टॉर्च, फाइंड माई फोन, बैटरी सेविंग मोड एंड सेटिंग। यहाँ पे चलते हैं सेटिंग के अंदर तो सबसे पहले डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ब्राइटनेस, स्लिप, वॉच फेसेस, मेन्यू व्यू, यहाँ पे काफ़ी सारे आप लोगों को UI मिल जाएगी, यानी कि UI स्टाइल मिल जाना है। इसके अलावा आप लोगों को लो पावर मोड, फोन कॉल, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, दो AOD के वॉच फेसेस मिलते हैं इस स्मार्ट वॉच में, एक एनालॉग और एक डिजिटल। इसके अलावा यहाँ पे सिस्टम में अगेन वो सारी चीज़ें मिलती है जो हमेशा आपको देखने को मिलती ही हैं। बाकी मेन मेन्यू में जाना है तो आप लोगों को लेफ्ट से स्वाइप करना पड़ेगा, यहाँ पे मेन मेन्यू में आप लोग आ जाओगे, यहाँ वो सारे फीचर्स मिल जाएंगे जो इस स्मार्ट वॉच में दिए गए हैं, जैसे कि एक्टिविटी, स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, फोन कॉल, एक्सरसाइज। यहाँ पे 100+ स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे इस स्मार्ट वॉच में, जितने भी बेसिक होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। एक्सरसाइज रिकॉर्ड्स, SPO2, वेदर फोरकास्ट, मैसेजेस, शटर प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर है यानी कि सेटिंग, AI वॉइस असिस्टेंट एंड मोर। मोर में चलते हैं, यहाँ पे सबसे पहले टाइमर, अलार्म, तो अलार्म यहाँ पे आप लोग वॉच से लगा सकते हो, ऐप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी स्टॉप वॉच, फीमेल हेल्थ ट्रैकर, फ्लैश लाइट एंड फाइंड माई फोन जैसे अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। UI इसकी काफ़ी स्मूथ है यार, बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिलता, अभी आप देख सकते हो, तो ये चीज़ मुझे इसकी काफ़ी ज़्यादा सही लगी है। बात की जाए वाटर रेजिस्टेंट की तो IP68 की रेटिंग मिल जाती है, यहाँ पे हल्के फुल्के पानी में यूज़ कर सकते हो, बारिश में भी यूज़ कर सकते हो, बट हाँ स्विमिंग नहीं कर पाओगे। 7 डेज़ का बैटरी बैकअप दिया गया है यहाँ पे और 2 से 3 दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ। एक्यूरेसी की बात करूँ तो इस स्मार्ट वॉच को पहनकर मैंने इसका हार्ट रेट टेस्ट किया और कंपेयर किया अपने ऑक्सीमीटर से, एट दी एंड मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह गया, हर बार मुझे एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड किया है इस स्मार्ट वॉच ने, अभी भी आप देख सकते हो रीडिंग एकदम सेम टू सेम निकल कर आती है। वही बात की जाए SPO2 की तो यहाँ पे भी बवाल का काम कर रही है अब तक और यहाँ पे भी बिल्कुल ही एक्यूरेट डेटा प्रोवाइड करती है, एट दी एंड देख सकते हो यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। कॉलिंग की बात करूँ तो चलते हैं इसको करते हैं टेस्ट और देखते हैं सामने वाले को आवाज़ कैसी जाती है, हमको उसकी आवाज़ कैसी आती है। भाई क्या हाल है भाई? बढ़िया है, तो सुना क्या हाल है? बस बढ़िया, कहाँ है, घर है या फिर गया वहाँ? घर पे ही हूँ। घर पे ही है, तो सही आ रही है क्या आवाज? अच्छा हाँ सही आ रही है, आवाज तो बढ़िया आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे, कुछ कटवट के तो नहीं आ रही है, दूर से तो नहीं आ रही? नहीं नहीं सही आ रही है बिल्कुल, फोन से बात कर रहा है जैसे ऐसी आ रही है। अच्छा चल यही पूछ रहा था, ठीक है मिलते हैं। होप करता हूँ यहाँ पे कॉलिंग क्वालिटी का एक आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को, मुझे काफी सही लगी, बाकी आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी है।
कंक्लूजन पे आते हैं और बात करते हैं क्या आप लोगों को फायरबोल्ट इक्लिप्स स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यार डेफिनेटली ले सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को पहले तो एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी, बढ़िया ब्लूटूथ कॉलिंग मिल जाना है, लक्स एडिशन की स्मार्ट वॉच है ये और 2500 रुपये में आपका पूरा पैसा वसूल कर देती है। तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट स्मार्ट वॉच और डिज़ाइन भी मुझे इसका पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया। इतना ज़्यादा स्लिम है कि फीमेल मेल दोनों पहन सकते हैं और खासकर यार जिनको स्लिम स्मार्ट वॉचेस पसंद है उनके लिए ज़बरदस्त स्मार्ट वॉच रहने वाली है। इसके अलावा यार मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के सामने इसलिए भी रखी है ताकि आप लोग खुद भी एक डिसीजन ले पाओ। अगर आप लोग इस स्मार्ट वॉच में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके चेकआउट करना मत भूलना। तो बस यार यही थी आज की वीडियो, करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो करके जाना यार। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।